मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डू द रिविजन थ्री डिफाइंड गाई डू वी नीड इट ठीक है गवर्नमेंट किसी कहते हैं और हमें उसकी जरूरत क्यों होती है सो अ गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न अम्युनिटी यूनिट और नेशन गवर्नमेंट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि गवर्न करता है किसी भी कम्युनिटी को यूनिट को या फिर नेशन को और इट इज़ नीडेड टू मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट अ नेशन एंड इट्स अफेयर और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि ये हमारे देश को मैनेज कर सके और इसके जितने भी अफेयर्स हैं उसे मैनेज कर सके और एडमिनिस्ट्रेट कर सके नेक्स्ट इज डिफाइन अपार ठीक है अपार किसे कहते हैं अपारथीड इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ठीक है अपारथीट जो है ये एक फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन का जो कि किस पे आधारित होता है रेस पे और कलर पे ठीक so, है सो अपारथीट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस एंड कलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ठीक है अबव एटीन ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन ठीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं देश के जो कि अट्ठारह साल से ऊपर हैं एज में उनको वोट करने का अधिकार है इलेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और जो सरकार होती है उसके तीन मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं सो द थ्री मेन ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेगिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ठीक है जो तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं लेगिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर एट रूरल लाइवलीहुड फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लाइवलीहुड लाइवलीहुड किसे कहते हैं लाइवलीहुड रिफर्स टू द मीन्स ऑफ अर्निंग मनी इन ऑर्डर टू लिव ठीक है लाइवलीहुड का मतलब होता है कि इस ये एक साधन होता है पैसा कमाने का जिंदगी को जीने के लिए उसे हम क्या कहते हैं लाइवलीहुड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड फार्मर्स इनकर हैवी डेब्ट ठीक है फार्मर्स के ऊपर जो कर्जा है वो कब हो जाता है ठीक है सो फार्मर्स इनकर हैवी डेप्ट इफ द क्रॉप्स फेल

जब क्रॉप जो हैं वो फेल हो जाते हैं ना जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए हो उसकी फसल मान लो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर बारिश उतनी नहीं हुई होती है या फिर सीड्स जो उन्होंने डाली हुई होती हैं वो अच्छी क्वालिटी की ना हो या फिर पेस्ट जो है वो क्रॉप्स पे अटैक कर दे ठीक है इन रीज़न से फार्मर्स जो हैं वो इंकर करते हैं ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट डू यू मीन बाई एनिमल हजबेंड्री एनिमल हजबेंड्री से आप क्या समझते हैं एनिमल हजबेंड्री मीन्स फार्मिंग दैट इन्वॉल्वस रेयरिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड एनिमल हजबेंड्री का मतलब होता है वो फार्मिंग जिसमें एनिमल्स को रेयर किया जाता है मतलब पशुपालन किया जाता है ताकि फूड को प्रोड्यूस किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं एनिमल हजबेंड्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डेड फ़िशर मैन कैन नाट गो फॉर फ़िशिंग एंड सफ़र फ़ाइनेशली फ़िशर मैन जो हैं वो फिशिंग के लिए कब नहीं जा पाते हैं और कब उन्हें फ़ाइनेशली सफ़र करना पड़ता है सो ड्यूरिंग हीवी रेंस एंड हाई टाइड्स ठीक है फ़िशर मैन कैन नॉट गो फॉर फ़िशिंग एंड सफ़र फ़ाइनेशली जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बारिश की लहरें आती हैं तो फ़िशर मैन जो है वो क्या करते हैं फिशिंग के लिए नहीं जा पाते हैं और उन्हें फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता है मतलब उन्हें नुकसान होता है सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न दीज आंसर्स एंड नोट डाउन इन योर कॉपी थैंक यू